जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने पिछले सभी टेंसेस रिवाइज किए होंगे। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे। ये भी एक तरह से कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह होता है, पीछे रहा होगा, रहे होंगे, जब कोई काम हो रहा होगा उसके बारे में हम बात करते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, वे खाना खा रहे होंगे, वह एग्जाम दे रहा होगा, इस तरह से जो वाक्य होते हैं जहाँ रहा रहे लगता है, साथ में गागेगी भी लगता है, वे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ विल बी या शैल बी का प्रयोग करके वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है। जैसे शी will be singing a song, वे गाना गा रही होगी। I के साथ क्या प्रयोग होता है ये तो आपको बताया ही था ना। I shall be going to स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूंगा। विल बी और शैल बी वही लगता है जैसे मैंने फ्यूचर इनडेफिनेट में बताया था। विल और शैल किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ शैल बी लगेगा और बाकी सभी के साथ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उन सभी के साथ विल बी लगेगा। You, he, she, it, they या singular plurals, उनके साथ will be का प्रयोग होता है। इसी तरह से they will be getting ready for school, वे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होंगे। सब्जेक्ट विल बी वर्ब यहां गेट है और इसका जब गेटिंग लगाया तो डबल टी लगेगा, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। और नाम वाले वाक्यों में विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, शी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल तो कहाँ लगेगा? बी नॉट के बाद नहीं, बी के बाद नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? शैल के बाद। आई शैल नॉट बी गोइंग, ठीक है, अगर हम इधर लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। विल और शैल के बाद नॉट लगाना है, फिर बी का प्रयोग करना है, बी ई बी, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ये बी का प्रयोग विल और शैल के साथ जरूर जरूर करना है, ठीक है। इसी तरह से राजेश विल नॉट बी taking the exams, ठीक है। इस तरह से हम will be या shall be का प्रयोग करते हैं और not का प्रयोग will या shall के बाद करते हैं। अब will not को हम
वॉन्ट भी लिख सकते हैं शॉर्ट करके। और इंट्रोगेटिव वाक्यों में विल ही बी गोइंग टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जा रहा होगा, विल के बाद सब्जेक्ट फिर बी का प्रयोग करना है। ठीक है, बी का प्रयोग छोड़ना नहीं है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल ही बी गोइंग टू, उसके बाद हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगाया। विल दे बी प्लेइंग द मैच, पीछे क्वेश्चन मार्क, विल सब्जेक्ट बी, ठीक है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, इस तरह से हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। शैल वी बी डूइंग आवर वर्क, क्या हम अपना काम कर रहे होंगे, शैल सब्जेक्ट बी वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, इस तरह से हमने ये वाक्य बनाने हैं। और नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, सब्जेक्ट के बाद, विल ही नॉट बी, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो विल दे नॉट बी, विल ही नॉट बी गोइंग टू ऑफिस, क्या वो ऑफिस नहीं जा रहा होगा, विल दे नॉट बी प्लेइंग द मैच, क्या वे मैच नहीं खेल रहे होंगे, शैल वी नॉट बी डूइंग आवर वर्क, क्या हम अपना काम नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर ही ज्यादा जो नॉट है यहीं पर लगाया जाता है, और सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले। ठीक है, इसी तरह से शैल आई नॉट बी गोइंग देयर, क्या मैं वहां नहीं जा रहा हूंगा, इस तरह से शैल सब्जेक्ट नॉट, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। और इसमें WH के क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं, जैसे Why will you be going there? तुम वहां क्यों जा रहे होंगे, वहां क्यों जा रहे होंगे, Why क्या होता है, क्यों, Will you be going there? इसके आगे हमने Why का प्रयोग करना है। When will he be coming? To see us, वह हमें देखने कब आ रहा होगा, when means कब, who will be going there, वहां कौन जा रहा होगा। ठीक है, अब जैसे इट के साथ इट को सब्जेक्ट बना के जैसे सिंपल वाक्य बना लेते हैं, इट विल बी रेनिंग टुमारो, कई बार प्रिडिक्शन करते हैं ना, पहले बता देते हैं कल वर्षा हो रही होगी, और नहीं हो रही होगी विल के बाद नॉट का प्रयोग होगा। और
क्या कल वर्षा हो रही होगी, तो विल जो है वो सब्जेक्ट से बाहर प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से इट विल बी ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, या द काओ लिख दो, इट हम पहले हम सीधा लिख देते हैं, द काओ विल बी ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, गाय ग्रेजिंग मीन्स घास खाना, इन द फील्ड्स खेतों में, विल बी ठीक है, इसके साथ विल का प्रयोग होगा। इस तरह से हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ, बेशक इट हो या कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। विल ही नॉट बी कीपिंग हिज प्रॉमिस, क्या वो अपना वचन पूरा नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस बनाए, अफर्मेटिव है वो 5 तरह से बनाए, नेगेटिव है वो बनाए 5 तरह से, और इसी तरह से इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है या WH के साथ हैं, आप थोड़े थोड़े वाक्य बनाएंगे तो आपको फिर से प्रैक्टिस होगी और अपनी गलतियों का भी पता चलेगा और उनको आप आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ वाक्य। अब हम इनको इकट्ठे लिखकर देख लेते हैं, सभी वाक्य इकट्ठे करते हैं। जैसे She will be going to market tomorrow. वह कल मार्केट जा रही होगी, यह है affirmative वाक्य। She will not be going to market tomorrow. वह मार्केट कल नहीं जा रही होगी। Will she be, एक वाक्य को हम हर तरह से लिख कर देखते हैं, Will she be going to market tomorrow? क्या वो कल मार्केट जा रही होगी, tomorrow ठीक है, tomorrow होता है आने वाला कल। Will she not be going to market tomorrow? क्या वह कल मार्केट नहीं जा रही होगी, ठीक है। Why will she be going to market tomorrow? कल वो क्यों जा रही होगी मार्केट, ठीक है, वाई लगा दिया। इस तरह से एक ही सेंटेंस को हमने कई तरह से बनाकर देखा ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाए जाएं। अब हम कुछ वाक्य इसी तरह से और बनाकर देखते हैं, जैसे He will be playing the match day after tomorrow. वह डे आफ्टर टुमारो मीन्स कल के बाद, परसों, ठीक है। वह
मैच खेल रहा होगा, परसों मैच खेल रहा होगा। अब इसके शब्द आपको कुछ पता होने चाहिए, जैसे टुडे, टुडे आज, यस्टरडे, यस्टरडे जो कल बीत गया, टुमारो जो कल आएगा, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे यानी पिछले कल से एक दिन पहले, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आने वाले कल से एक दिन आगे, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। डे बिफोर यस्टरडे, इसके लिए हम पास्ट का प्रयोग करेंगे, डे आफ्टर टुमारो के लिए हम फ्यूचर का प्रयोग करेंगे, और टुडे के लिए हम प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपने वाक्य बनाने हैं और उनको लिखना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ड।